केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अररिया पहुंचे और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में मारे गए मजदूरों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने सांत्वना दी और कहा कि भारत सरकार तैयार है और भारत सरकार इस घटना का आतंकियों से इस कदर बदला लेगी कि पूरी दुनिया देखेगी। आपको बता दें कि कई बिहारियों की हत्या श्रीनगर में की जा चुकी है आतंकियों के हाथों, जिसके बाद अररिया में मृत मजदूरों के आतंकी घटना में मारे गए मजदूरों के परिजनों से मिलने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे और वहां उन्होंने उन्हें सांत्वना दी और कहा है कि केंद्र सरकार इसका बदला लेने को तैयार है। साथ ही गिरिराज सिंह ने 5-5 लाख का चेक भी उनके परिजनों को सौंपा है और इसे उन्होंने पाकिस्तानी साजिश करार दिया। देखिए, अभी तो मैं केवल संवेदना प्रकट करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के बिहाफ में एक संवाद वाहक कह ले, और जो घटना घटी श्रीनगर के अंदर वो कायरतापूर्ण घटना हुआ, पाकिस्तान द्वारा साजिश रची गई आतंकवाद की घटना। ये निर्दोष मजदूरी करने गए, कायरतापूर्ण हत्या की है, लेकिन इतना जरूर है कि कश्मीर के शांति को, कश्मीर के अमन चैन को कभी हम टूटने नहीं देंगे। उसके लिए जो कुछ करना होगा, आपको लगता है टारगेट किलिंग है बिहारियों की हत्या? ये पाकिस्तान को और आतंकवादियों को ये कतई बर्दाश्त नहीं कि कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर शांति बहाल हो, अमन चैन हो, प्रेम हो और पूरे राष्ट्र के साथ जैसे अभी तक था। मैं भी गया था बारामूला, ये मैं यही कहना चाहूंगा कि ये उनको बर्दाश्त नहीं। देखिए, अभी तो मैं